माय डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास जो है वो फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक बीरबल द वाइज, इसी के मुतालिक आज जो क्वेश्चन है, जो बीरबल द वाइज हमने कहानी पढ़ी उसी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 पर आप बुक पे देख सकते हो। तो ये जो थोड़ा मैं इस कहानी को दोहरा देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए बच्चों, बीरबल द वाइज जो कहानी है इसमें एक जो शहजादा होता है मणिपुर का, जिसका नाम सूर्य सिंह है, जब वो कारोबार के सिलसिले में आता है तो रास्ते में उसे एक थका हुआ आदमी मिलता है। तो जो ही वो उसको देखता है तो वो अपने घोड़े को रोक लेता है और उससे कहता है कि आप कौन से रास्ते को जाना है। तो ट्रैवलर जो है आता है वो बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मुझे रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं थक चुका हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो सूर्य सिंह को उस पर रहम आता है तो वो घोड़े से उतरते हैं और ट्रैवलर को क्या करते हैं कि अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं। तो जब वो घोड़े पर बैठ ट्रैवलर जो होता है वो घोड़े पर सवार हो जाता है, तब सूर्य सिंह पैदल चलने लगते हैं। तो जब वो शहर के गेट पे पहुंचते हैं तो सूर्य सिंह उसे कहते हैं कि अब आप घोड़े से उतर जाओ। तो वो हैरानगी से कहता है कि मैं घोड़े से क्यों उतरूँ? तो सूर्य सिंह बोलते हैं क्योंकि आप हमारे जो रास्ते हैं दोनों के अलग हैं, तो आपको दूसरे रास्ते को जाना है, मुझे दूसरे को जाना है। तो वो जो होता है वो कहता है कि मैंने आपको रास्ता दिखाया और आप कह रहे हैं कि जो घोड़ा है वो मेरा है। तो सूर्य सिंह उसे कहते हैं कि आप एक शरीफ आदमी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तो इससे पहले कि वो घोड़ा लेकर भाग जाता तो सूर्य सिंह क्या करते हैं कि घोड़े की लगाम को पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो सूर्य सिंह कहते हैं कि चलो किसके पास चलते हैं, जज के पास चलते हैं। तो दोनों क्या करते हैं कि जज के पास चले जाते हैं। तो जज होता है उसका नाम बीरबल होता है। तो जब दोनों बीरबल के पास जाते हैं तो बीरबल जो ही सूर्य सिंह को देखता है तो वो सूर्य सिंह से कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो क्या उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो दोनों की कहानी सुनता है, ट्रैवलर की भी कहानी सुनता है और जो शहजादा प्रिंस होता है उसकी भी कहानी सुनता है बीरबल। तो उसके बाद बीरबल कहता है कि ये जो जानवर है इसको यहाँ ही छोड़ो और कल आ जाओ, मैं आपका जो इसका मालिक होगा मैं उसको दे दूँगा घोड़ा। तो उसके बाद जब वो दोनों आदमी चले जाते हैं तो बीरबल अपने मुलाजिम से कहता है कि घोड़े को आप ले जाओ और इस घोड़े को दोनों आदमी को दूसरे दिन जब वो बुलाता है तो घोड़े को क्या करते हैं, फासले पर छोड़ते हैं। तो देखो कि किसका तरकब करता है। तो घोड़ा जो होता है वो सीधे अपने मालिक यानी प्रिंस जो होता है शहजादा उसकी तरफ चला जाता है। तो उसके बाद फिर वो घोड़े को क्या करते हैं कि अस्तबल में डालते हैं। तो अस्तबल में दोनों को फिर बीरबल जो है दूसरे दिन ले जाता है। तो जब वो जाते हैं वहाँ पर तो ट्रैवलर से कहता है बीरबल कि आप अपने घोड़े को पहचानो, जहाँ एक ही रंग के घोड़े होते हैं। तो वो बीरबल जो ट्रैवलर जो होता है वो घोड़े को नहीं पहचान पाता, बल्कि जो प्रिंस होता है वो जल्दी से अपने घोड़े को पहचान लेता है। तो उसके बाद जो ही उसको नहीं पहचान पाता तो बीरबल उससे कहता है कि आपको 50 घोड़े पड़ने चाहिए। ट्रैवलर कहता है कि एक शरीफ आदमी ने आपको घोड़े पर लाए और अब आप इसका घोड़ा जो है वो छीनना चाहते हो। तो इसके बाद जो होता है बीरबल उससे कहता है कि हमें पता होता है कि आप झूठ नहीं बोलते। तो उसके बाद वो उससे जानना चाहता है कि आपने मेरा जो ये फैसला था ये कैसे हल किया। तो उसने कहा कि मैंने पहले अपने मुलाजिम से कहा और उस वक्त भी जो घोड़ा था उसने आपका पीछा किया, और उसके बाद दूसरी बार जब स्टबल में लिया आप दोनों को तो उस वक्त भी ट्रैवलर जो था वो घोड़े को नहीं पहचान पाया और आपको कोई मुश्किल नहीं हुई। तो इस तरह से जो ये कहानी थी इसमें जो होता है सूर्य सिंह, तो सूर्य सिंह क्या करता है कि बादशाह की इस दनाई की वजह से उस पर खुश होता है। तो और वो कहता है कि उसने एक अच्छे आदमी के उसको एक अच्छा आदमी मिला उसका फैसला हल करने के लिए। तो ये बच्चों एक कहानी थी जो हमने कल पढ़ी थी अपने सबक में। तो आज हम उसी के क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हु वाज सूर्य सिंह, हु डिड ही मेट ऑन हिज वे, यानी कि सूर्य सिंह बच्चों प्यारे बच्चों ये पूछता है, सवाल नंबर फर्स्ट जो है इसमें पूछता है कि सूर्य सिंह कौन था और उसे रास्ते में कौन मिला। तो हमने उसका आंसर लिखा है, सूर्य सिंह वॉज द प्रिंस ऑफ मणिपुर, ऑन द वे ही मीट ए वीक एंड टायर्ड लुकिंग मैन। सूर्य सिंह मणिपुर का एक शहजादा था और रास्ते में उसे एक यानी कमज़ोर थका हुआ आदमी मिला। तो सवाल नंबर दो, हाउ डिड सूर्य सिंह हेल्प द ट्रैवलर, सूर्य सिंह ने मुसाफिर की मदद कैसे की। सूर्य सिंह हेल्प द ट्रैवलर टू राइड ऑन हिज हॉर्स, सूर्य सिंह ने क्या किया कि उस मुसाफिर को अपने घोड़े पर सवार करके उसकी मदद की।
तो तीसरा सवाल है, वेयर डिड द टू मैन गो टू सेटल द डिस्प्यूट। वो तो जो दो आदमी थे उन्होंने झगड़ा हल करने के लिए वो कहाँ गए? तो द टू मैन गो टू सेटल द डिस्प्यूट टू द जज। दोनों आदमी जो थे वो झगड़े को हल करने के लिए जज की तरफ गए, जज के पास गए। हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट। बीरबल यानी जो जज था उसने उनका झगड़ा कैसे हल किया? बीरबल टोल्ड हिज सर्वेंट टू टेक द हॉर्स, फॉलो द टू मैन एट ए डिस्टेंस, देन फ्री द एनिमल एंड सी विच वन ऑफ द टू इट फॉलो। बीरबल ने क्या किया, अपने मुलाजिम से कहा कि आप घोड़े को ले जाओ और दोनों आदमियों को एक फासले पर छोड़ो, तो तब जानवर को आजाद